What's up guys, I'm Rob. Welcome to my channel. काफी दिनों से आप लोगों से कोई बात ही नहीं हुई. I hope you guys are doing well and keeping safe. तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही कूल प्रोजेक्ट. आज हम बनाएंगे ग्लिच इफेक्ट. और अगर आपने थंबनेल देखा है और मॉन्टाज देखा है तो आप समझ गए होंगे कि इफेक्ट काफ़ी कूल है. जब आप कुछ स्क्रीन पे देख रहे हैं और इमेज जो है थोड़ी ऑफसेट हो जाती है, एरर आता है, उसे कहते हैं ग्लिच इफेक्ट. और उसे बनाना कुछ खास मुश्किल नहीं है और अगर आप मेरी टेक्निक फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. तो कोशिश करें. देन गेट रेडी, इट्स टाइम फॉर सम DIY. व्हाई? बिकॉज आई लव इट. ऑलराइट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे हम ग्लिच इफेक्ट बनाएंगे. तो सबसे पहले हमें चाहिए एक ड्रॉइंग. तो ये आ गई ड्रॉइंग. तो यहाँ पे मैंने स्पाइडरमैन की सिल्वेट बनाई है क्योंकि स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है. और साथ में छोटे ट्राइंगल्स बनाए हैं जैसे कि वो कहीं से जंप कर रहा है और कुछ चीज़ें ब्रेक हो रही हैं उसके आसपास. तो मैंने तो यहाँ पे स्पाइडरमैन बनाया है, लेकिन आप अपनी फेवरेट ड्राइंग बना सकते हैं, अपना फेवरेट कैरेक्टर बना सकते हैं. बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी ड्राइंग सिंपल होनी चाहिए, नहीं तो कलरिंग करते वक्त आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी क्योंकि ये टेक्निक थोड़ी सी ट्रिकी है. इसलिए ड्राइंग को एकदम सिंपल रखें. तो ड्राइंग हमारी रेडी है, लेट्स मूव ऑन. तो अभी हमें क्या करना है, ग्लिच इफेक्ट बनाने के लिए हमें इस ड्राइंग को 3 बार रेप्लिकेट करना है. तो अभी हमें क्या करना है, मान लीजिए ये आपकी ड्राइंग है. अब हमें जो दूसरी ड्राइंग बनानी है उसकी अलाइनमेंट थोड़ी ऑफ होगी, तो वो थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ बना सकते हैं लाइक दिस. और जो तीसरी ड्राइंग है उसकी अलाइनमेंट भी थोड़ी ऑफ होगी, पर उसको हम थोड़ा नीचे की तरफ बना सकते हैं इस तरह से. तो अगर आपका फॉर्म सिंपल है तो आप उसे आसानी से इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या रेप्लिकेट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका फॉर्म थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें डिटेल्स हैं, तो उसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी ड्राइंग लीजिए और उसके नीचे कोई स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स रख दीजिए. अभी मैं आपको अपने फ़ोन से करके दिखाता हूँ. तो यहाँ पर मैंने एक लाइट सोर्स रख दी. अब अगर आप इसके ऊपर एक दूसरी शीट को प्लेस करेंगे लाइक दिस, तो आपको आपकी ड्राइंग नज़र आएगी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे. और फिर आप उसे आउटलाइन कर सकते हैं. ये थोड़ा और आसान हो जाता है कि अगर आप इसे एक ग्लास टेबल पर रख देंगे या अपनी विंडो पर रख देंगे और उस सरफेस पे आसानी से आप इमेज को आउटलाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे मुझे नीचे वाला ट्रायंगल नज़र आ रहा है, तो मैं उसको इस तरह से आउटलाइन करूँगा लाइक दिस. तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ट्रायंगल को आउटलाइन कर लिया है. अब इसको थोड़ा सा इस तरह से उसका अलाइनमेंट हम थोड़ा ऑफ करेंगे और अब इसे फिर से हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे ऐसे. और आउटलाइन बन गई, उसके बाद फिर से उसे थोड़ा इस तरह से ऑफसेट करेंगे और फिर से उसकी आउटलाइन बनाएंगे. और यही सेम चीज़ आपको पूरी ड्राइंग के लिए करनी है. यहाँ पे आ गई आपकी 3 ड्राइंग्स, 3 आइडेंटिकल ड्राइंग्स. तो चलिए इसी तरह से पूरे स्पाइडरमैन की ड्राइंग को हम 3 बार कॉपी करते हैं. ऑलराइट, तो ये देखिए स्पाइडरमैन की ड्राइंग को 3 बार हमने रेप्लिकेट कर लिया है. ऑलरेडी काफ़ी ट्रिपी लग रहा है, ग्लिच इफेक्ट लग रहा है इसमें भी, लेकिन जब हम कलर करेंगे तो ये और भी ज़्यादा कूल लगेगा. तो ड्राइंग हो गई है, अब हमें करना है कलर. लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, तो मैं आपको समझाता हूँ. ऑलराइट, तो ये आ गए हमारे प्राइमरी कलर्स, रेड, ब्लू एंड ग्रीन. और जब ये आपस में मिलते हैं तो हमें मिलता है साइन, मजेंटा एंड येलो. और जब ये सारे कलर्स मिक्स होते हैं तो हमें मिलता है वाइट, एज यू कैन सी हियर. लेकिन क्योंकि हम वाइट पेपर पे बना रहे हैं तो ये कलर जो हैं ये उल्टे हो जाएंगे, यानी इन्वर्ट हो जाएंगे. तो हमें करना है साइन, मजेंटा, येलो. और जब वो मिक्स होंगे तो हमें मिलेगा ब्लू, ग्रीन एंड रेड. और सबका मिक्स होने के साथ हमें मिलेगा ब्लैक. तो ये प्रिंसिपल और टेक्निक हमें फॉलो करनी है और हमें यहाँ पर कलर करना है. आई नो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो मैं आपको एक कलर करके दिखाता हूँ. तो ये आ गए कलर्स. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे येलो से. तो ऊपर वाले ट्रायंगल को पहले मैं येलो आउटलाइन करूँगा लाइक दिस. अभी अंदर फिल नहीं करेंगे, सिर्फ आउटलाइन करेंगे ऐसे. तो ये हो गया येलो. मैंने कहा था हम कलर्स को इन्वर्ट कर रहे हैं. तो दूसरा कलर कौन सा आएगा, मजेंटा. और क्योंकि मेरे पास मजेंटा नहीं है तो मैं पिंक कर रहा हूँ, बट ये भी चल जाएगा, सेम फैमिली से है. तो दूसरे वाले ट्रायंगल को मैं यहाँ पे मैजेंटा कलर में कर रहा हूँ. एंड तीसरा जो है वो होगा साइन, यानी ब्लू. अगेन शेड थोड़ा सा डिफरेंट है बट ये चल जाएगा. ओके, तो यहाँ पे मैंने आउटलाइन कर दी है. अब हमें क्या करना है, जहाँ पे ये क्लीन है सेक्शन, इसमें हम येलो कर देंगे लाइक दिस. लेकिन जहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये वाला सेक्शन जो है वहाँ पे मैजेंटा के साथ ये ओवरलैप हो रहा है. और अभी हमने क्या देखा था, जब येलो और मैजेंटा मिक्स होते हैं तो हमें मिलता है रेड.
तो इस जगह पे हमें रेड कलर करना है। ओके, तो यह ओवरलैप जो सेक्शन था उसमें मैंने रेड कर दिया है, और जो ओवरलैप सेक्शन नहीं है ये मैजेंटा का, यहाँ पे हम मैजेंटा यानी हमारा पिंक जो है उसे फिल करेंगे लाइक दिस। बस यही आपको फॉलो करना है, जहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा है वहाँ पे सेम कलर आएगा, और जहाँ ओवरलैप हो रहा है वहाँ पे उस कॉम्बिनेशन से जो कलर बनता है वो आएगा। जैसे कि अब यहाँ जो है सेक्शन ये ओवरलैप नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ब्लू यानी हमारा साइन आएगा। इसको क्लीनली कलर करते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साइन और मैजेंटा जो है वो मिक्स हो रहे हैं, उनके मिक्स होने से हमें क्या मिलता है, ब्लू। ये आ गया ब्लू। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो जो मैंने अभी इमेज दिखाई थी आप उसको फॉलो कर सकते हैं और आपको सारे कलर कॉम्बिनेशंस समझ आ जाएंगे। हियर यू गो, तो यहाँ पे हमने ब्लू कर दिया है, और अब जो बीच वाला ट्रायंगल है वहाँ पे सारे कलर्स मिक्स हो रहे हैं, और हमने क्या कहा था, सारे कलर्स मिक्स होंगे तो क्या बनेगा, ब्लैक। तो यहाँ पे हम करेंगे ब्लैक। There you go, तो ये हमने कर दिया ब्लैक। एंड एज यू कैन सी हमारा ग्लिच इफेक्ट जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है हमें। तो इसी तरह से हमें इस पूरी इमेज में कलर करना है, एंड देन वी विल सी एंड एन्जॉय आवर ग्लिच इफेक्ट। सो लेट्स डू इट। ग्लिच इफेक्ट देखने के लिए तैयार हैं? ओके देन, 1, 2, 3, लुक एट दैट, लुक सो अमेजिंग, है ना। आई एम सुपर हैप्पी विद दिस। जो हमने टेक्निक फॉलो की थी उसकी वजह से इतना अच्छा ग्लिच का इफेक्ट हमें मिला है यहाँ पे। लुक, लव इट। तो कैसा लगा आप लोगों को? मैंने कहा था ना कि बनाना कुछ खास मुश्किल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर बनाया था, लेकिन अगर आप चाहें तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपना फेवरेट कोट लिख सकते हैं, या फिर एक नेम प्लेट बना सकते हैं, जो भी मन चाहे आप बना सकते हैं। और एक बार आपने टेक्निक को मास्टर कर लिया तो पेपर की जगह आप इसे फैब्रिक पे भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी खुद की टी शर्ट्स बना सकते हैं, अपने बैग पे इसे बना सकते हैं, जैकेट्स पे बना सकते हैं, जहाँ पे भी मन चाहे इसे बना सकते हैं। So I really hope you guys enjoyed watching the video and found this tutorial helpful. पसंद आया है तो एक बड़ा सा लाइक दे देना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी ये वीडियो देख लें और इस टेक्निक को ट्राई करें, बनाएं। शेयरिंग इज केयरिंग, तो प्लीज़ स्प्रेड कीजिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है, हाँ। और बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबाना मत भूलना ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए। ऑलराइट, अभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं लगा, और अगर आप बना रहे हैं तो क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। टिल देन, लाइक आई ऑलवेज से, डू गुड एंड बी गुड। पीस।